हेलो एंड वेलकम टू द वीजा एक्सप्लोरर। मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आज हम ना ही कहीं घूमने जा रहे हैं ना ही कोई फूड ब्लॉग पे। आज हम चलेंगे मुजफ्फरपुर जंक्शन। मैं उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा कि नया रिजर्वेशन का जगह कहाँ है, टिकट रिजर्वेशन की जगह कहाँ है और प्लेटफॉर्म कितने बढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ बढ़ने वाले हैं और नए फॉर्मेशन के हिसाब से मुजफ्फरपुर जंक्शन कैसा दिखेगा। ये काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी बट सारी डिटेल्स लोग आपको नहीं बता रहे थे। मैं आज आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कितने प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे और नया डिज़ाइन किस हिसाब से होगा। तो चलिए चलते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। मैं आ गया हूँ मुजफ्फरपुर जंक्शन के सामने और मैं बाहर का सारा डिटेल दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। मैं सारा डिटेल बताऊंगा कि कब मुजफ्फरपुर जंक्शन का फ्रंट तोड़ा जाने वाला है। मैं एक ज़रूरी डिटेल देना चाहूँगा जिसमें अगर आपको हड़बड़ी हो और ट्रेन छूटने वाली हो तो आप अंदर भीड़ में जाके लाइन ना लगें, आप बाहर के टिकट काउंटर से ही टिकट कटवा सकते हैं। हालांकि आपको 2 रुपये इस काउंटर पे ज़्यादा लगता है बट आपको रस है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम आ गए हैं अंदर और ये रैंप बिल्कुल नया बनाया गया है। हालांकि ये नए डिज़ाइन के हिसाब से तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसे तोड़ा जाएगा या फिर क्या किया जाएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। ये जगह 13 नवंबर से तोड़ना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ये डेट आगे बढ़ सकता है क्योंकि उस टाइम में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि छठ दिवाली का टाइम रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है, तो हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़ सकता है कुछ दिन। और ये मुजफ्फरपुर जंक्शन का फ्रंट है, इसमें आप टिकट कटवा सकते हो और अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम यूज़ करते हो तो आप खुद से भी टिकट काट सकते हो। ये सुविधा काफ़ी अच्छी हो गई है रेलवे में, आपको ज़्यादा भीड़ में नहीं लगना पड़ता या फिर डिजिटली जल्दी टिकट कट जाती है। यहाँ आप सिर्फ जनरल टिकट कटा सकते हो, हालाँकि रिजर्वेशन के लिए अलग जगह है जहाँ मैं आपको ले चलूँगा। UPS का मतलब अनरिजर्व टिकट सिस्टम, यानी कि जनरल टिकट मिलेंगे सिर्फ यहाँ पर। SBI का ATM प्रेजेंट है अंदर, फिलहाल इसको भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। पहले इसी हॉल में ही रिजर्वेशन सिस्टम के लिए भी टिकट करते थे, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC या स्लीपर, बट काफ़ी भीड़ होने के हो जाता था वहाँ पे, उसी कारण से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और मैं वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। ये भी फ्रंट ही है और यहाँ आप पूछताछ के लिए आ सकते हो, ट्रेन के सारे डिटेल्स के लिए यहाँ पे ये सिस्टम अवेलेबल है। यहाँ पे एलिवेटर सिस्टम लगा हुआ है, हालांकि ये हटा दिया जाएगा नए डिज़ाइन के हिसाब से, दूसरे जगहों पे एलिवेटर सिस्टम लगाया जाएगा। तो फाइनली हम आ गए कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम के पास। यहाँ पे आप फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC और स्लीपर के लिए टिकट कटवा सकते हो। हालांकि आप साइबर कैफे में जाते हो वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं लगेंगे। बस एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको उसका डिटेल भरो और आपको सेम टाइम में आपके हिसाब से ट्रेन की टिकट दे दी जाए। यहाँ का सिस्टम काफ़ी सही कर दिया गया है, ज़्यादा देर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता और काफ़ी जल्द ही ये टिकट काट के आपके हाथ में दे देते हैं और आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन दिया जाता है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये बता दी मैंने टिकट्स की सारी डिटेल और मैं अब आपको प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा और मुजफ्फरपुर जंक्शन का न्यू डिज़ाइन भी। तो ये रहा नया डिज़ाइन, आप सभी लोगों ने देखा होगा बट मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि कितने नए प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं और कहां कहां बनने वाले हैं। सबसे पहले ये जो आप फ्रंट में रोड देख रहे हो जो कि ऊपर वाला रोड है, ये एलिवेटेड रोड है डिपार्चर के लिए। ये सबसे अच्छी बात है, ये किसी जंक्शन पे नहीं होगा, जो भी नए जंक्शन बन रहे हैं ये किसी पे ये सुविधा नहीं दी जा रही है, सिर्फ मुजफ्फरपुर जंक्शन पे ये सुविधा दी जा रही है। ये डिपार्चर के लिए बनाया गया है और मेनली ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है स्टेशन पे, ताकि काफ़ी भीड़ नहीं लगे, ये सब कंट्रोल के लिए इसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन के हिसाब से 13 प्लेटफॉर्म है, हालांकि मैं आपको गिनाऊंगा वो कैसे कैसे बना रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। ये फ्रंट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इसमें मॉल की सुविधा, होटल की सुविधा और रेस्टोरेंट की सुविधा भी दी जाएगी।
हालांकि मैंने बोला 13 प्लेटफॉर्म, आप सोच रहे हो कि 13 प्लेटफॉर्म कैसे, तो मैं एक प्लेटफॉर्म दिखाना चाहूँगा जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली में ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल में बना हुआ है, ये सारा सामान वामान उतारने के काम आता है, ये सब के लिए बना रखा है। हालांकि मुजफ्फरपुर जंक्शन पे पहले से 8 प्लेटफॉर्म थे, उसके बाद 5 प्लेटफॉर्म और बन रहे हैं। ये देखिए ये प्लेटफॉर्म बन रहा है जो प्लेटफॉर्म 6-7 हो जाएगा, और इसके उधर जस्ट उधर प्लेटफॉर्म नंबर 8 बनेगा। 9 प्लेटफॉर्म इधर होंगे और बाकी 4 आगे की तरफ। तो हम जा रहे हैं स्टेशन की दूसरी तरफ। ये देखिए यहाँ लिफ्ट है, ये भी सुविधा भी हटा दी जाएगी कुछ दिन बाद। मैं इस वीडियो में एक छोटा सा न्यूज़ क्लिप भी अभी डालूंगा। जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो रेलवे वॉशिंग का सिस्टम है, इसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, तभी यहाँ 8 नंबर प्लेटफॉर्म बन पाएगा और इधर से अंदर आने का सुविधा भी। अभी इनिशियल स्टेज में प्लानिंग में काफ़ी टाइम लगता है, क्लियरेंसेज में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो पूरा हो चुका है। आपने देखा होगा कि जो टर्मिनल स्टेशन जो उधर बना हुआ है, जो आपकी लोकल ट्रेन के लिए चल रहा है, वो तो ऑलरेडी काम उस पर चालू है, काफ़ी अच्छी प्रगति है। जैसे ही वो काम होता है तो फिर उस पर प्रेशर जो है ना, यहाँ का जो प्रेशर है वहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसके बाद फिर यहाँ पर काम चालू हो जाएगा। 2026 में उससे तो पहले हो जाएगा बिल्कुल, समय उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्लानिंग की गई है और जिस तरह से काम चल रहा है, मुझे विश्वास है कि उससे पहले हो जाना चाहिए। सर जैसे कि यहाँ जो मास्टर प्लान बना है उसमें अभी मुजफ्फरपुर में 8 प्लेटफॉर्म है और 4 और बढ़ाने की बात हो रही है, हाँ क्या उसका? नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि जो प्लेटफॉर्म बढ़ाने की बात हो रही है तो आपको देखिए दोनों साइड से देखिए आपकी सिटी है, तो ऐसे तो आप लिटरली तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फैसिलिटी यहाँ पर है वॉशिंग की, उन पे हम मॉडिफिकेशन करके प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ की जो बढ़ती हुई आबादी है और जितना रिक्वायरमेंट ट्रैफिक का है, पैसेंजर्स का है, उसके हिसाब से उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो वॉशिंग पिट होना, उसके मेंटेनेंस की फैसिलिटी होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका नज़दीकी स्टेशन है जिस पे ट्रैफिक कम है, वहाँ पर इसको शिफ्ट करने का विचार चल रहा है। बगल में मुजफ्फरपुर जंक्शन को अपोजिट साइड से बहुत कम लोगों ने देखा है, इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ क्योंकि इधर काफ़ी काम होने वाले हैं। अभी बैक का भी लुक काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती इधर, लेकिन आपको आने जाने के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं। ये एलिवेटर सिस्टम इधर का ज़्यादा पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया ही है, 2-3 साल ही हुए होंगे इसको, और पेड़ पौधा काफ़ी लगा रखा है पीछे में। और राइट साइड में ही मेरे टिकट काउंटर है, ये रहा टिकट काउंटर, उतना वेल फर्निश्ड नहीं है बट सही है, पीछे से आते हैं अगर लोग तो उतना भीड़ भी नहीं रहता और टिकट भी आराम से मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया ऑटो की भी सुविधा है इधर, ऑटो और रिजर्वेशन ज़्यादा लग रहा है मुझे इधर की तरफ, आप रिज़र्व कर सकते हो तो आप आराम से ऑटो इधर से आके ले सकते हो। ये आप जो अराइवल और डिपार्चर का डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ये ख़राब नहीं है, ये मेरी कैमरा की गलती है। ये जो आप सामने येलो कलर का देख रहे हो वो पार्किंग सिस्टम है, वो तोड़ के आगे बढ़ा दिया जाएगा, इधर साइड से भी ये जो आप येलो दीवार देख सकते हो इसे भी तोड़ दिया जाएगा और ये सारा जगह एक्सटेंड होगा, ये सारा रेलवे का ही जगह है। ये पीछे से मैं लुक सही से दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा दूर भी जा रहा हूँ। ये देखो पीछे दूर से थोड़ा अच्छा से लुक आ रहा है मुजफ्फरपुर जंक्शन का बैक साइड, ये है मुजफ्फरपुर जंक्शन का बैक साइड लुक, और ये इधर से रोड है, इसे भी अच्छा से बनाया जाएगा। काफ़ी लोग को यहाँ के बारे में मालूम नहीं रहता, वो जल्दी जल्दी आते हैं और कुछ कुछ दिखा के चले जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ और डिटेल में इसका बैक का भी हिस्सा दिखाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी अहम हिस्सा है। तो अब मैं फिर से जा रहा हूँ फ्रंट में, अब मैं कुछ फ्रंट का हिस्सा दिखाऊंगा आपको और प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7, 8 भी दिखाऊंगा, वो कहाँ है, लोग को काफ़ी दिक्कत होती है ये चीज़ ढूंढने में। और ये ब्रिज को भी जल्द ही तोड़ दिया जाएगा और इसे चौड़ा किया जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि 6, 7, 8 प्लेटफॉर्म किधर है, यहाँ पे आने के बाद जो नए लोग होते हैं उन्हें दिक्कत होती है,
तो मैं दिखाता हूँ 6-7-8 प्लेटफॉर्म किधर है और वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, मतलब वहाँ पे दो और प्लेटफॉर्म बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, ये मैं आपको सही से दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही हम बिल्कुल सीधा चलते हैं तो राइट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 6-7-8 आ जाता है। अब मैं चल रहा हूँ सीधा, आप देख सकते हो ट्रेन आ रही है बगल से और हम आगे जाएंगे। सीढ़ी को जस्ट पार करते ही राइट साइड से प्लेटफॉर्म नंबर 6-7-8 शुरू हो जाएगा। तो मैं आ गया हूँ और आगे, और मैं जानता हूँ लोगों को बहुत दिक्कत होती है ये समझने में कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जस्ट बगल में ही 6-7-8 कैसे हो सकते हैं। तो थोड़ा अल्टर है बट ये देखो हम आ गए हैं, इधर लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। अब हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। इधर देख सकते हो इधर से बापूधाम मोतिहारी, ये जो सीतामढ़ी से ट्रेन आती है वो सब इधर ही लगते हैं, और यहाँ से फिर दूसरे रूट पकड़ लेते हैं या पटना वाले, हाजीपुर वाले, और नहीं तो फिर रिटर्न जाते हैं सीतामढ़ी और बापूधाम मोतिहारी की तरफ। सीधा रास्ता इधर से निकल जाता है बापूधाम मोतिहारी और राइट घूमता है तो सीतामढ़ी जंक्शन पर। डिज़ाइन के हिसाब से इस 7 नंबर प्लेटफॉर्म वाले पटरी को हटा दिया जाएगा और इस तरफ प्लेटफॉर्म को बढ़ा दिया जाएगा और ये दो प्लेटफॉर्म दो पटरी रह जाएंगे, और राइट साइड में इस तरफ से तोड़ दिया जाएगा प्लेटफॉर्म और उधर एक और पटरी इधर ऐड किया जाएगा, और यहाँ से राइट साइड में एक और प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि 12 नंबर या 13 नंबर प्लेटफॉर्म होगा। न्यूज़ के हिसाब से तो देखा जाए सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म बढ़ने हैं तो 12 ही प्लेटफॉर्म होने चाहिए, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से 13 प्लेटफॉर्म होने चाहिए। तो इस वीडियो में मुजफ्फरपुर जंक्शन की सारी डिटेल्स बताने की कोशिश की मैंने। तो अगले वीडियो में द वीज़ा एक्सप्लोरर के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।